Questions related to this chapter, we'll definitely be able to answer as we have the complete overview or the summary in our minds. Clear? Alright, so let's begin with the summary which says.

हाउ इट केम टू बी नोन एज शहनाई इन नथिंग एल्स क्लियर एंड ऑल्सो नंबर टू एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो मेन थिंग है दैट इज अबाउट द लेजेंड दैट इज द शहनाई लेजेंड जिनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्ला खां तो हम ये दोनों चीज़ें जो हैं इस पूरी स्टोरी में देखते हैं कि शहनाई के बारे में जो हिस्ट्री है वो एंड देन लेटर जो उस्ताद बिस्मिल्ला खां जी हैं जो कि बहुत ही वेल नोन शहनाई वादक हैं उनकी पूरी स्टोरी क्लियर So, Bismillah Khan made a valuable contribution to the world of music. थ्रू द शहनाई तो बिस्मिल्ला खां जो है उनका जो इतना नाम है यू नो ही सो वेल नोन इन म्यूजिक इंडस्ट्री ऑल ओवर दर्ल्ड जस्ट बिकॉज इट इज ऑफ हिज वे ही प्लेज दिस इंस्ट्रूमेंट दैट इज शहनाई तो उनका जो ये स्किल है जो इतनी मेलोडियस वे में वो शहनाई प्ले करती है इस पूरी स्टोरी को हम देखते हैं इस चैप्टर में अब शहनाई जो है दैट इज यू नो दिन थिंग इन दिस स्टोरी तो उनके बारे में यानी शहनाई के बारे में भी अगर हम पढ़ेंगे देन ओनली वील गेट टू अंडरस्टैंड मोर क्लियर तो अब

और ये क्या हुआ ना जब ये एक रूलर जाते दैट इज औरंगजेब जो कि एक मुगल रूलर हैं तो वो कहना मतलब उनका ऐसा मानना था कि बिकॉज पुंगी जो है उसका बहुत ही श्रिल साउंड है बहुत अनप्लेजेंट साउंड है बहुत शार्प कानों को चुभने वाला साउंड है तो उन्होंने इसको बैन कर दिया कि इसको बजाना ही नहीं है अब रॉयल कोर्ट में As the pungi had an unpleasant sound, there was a barber who belonged to a family of professional musicians. अब एक barber थे was you know belonging to a family जो कि professional musicians की थी तो ये जो barber है यानी जो नाई है उनको समझ आ गया कि ठीक है this instrument has to be revived वापस से लेकर आना पड़ेगा इसको but इस instrument में obviously कुछ तो changes करने पड़ेंगे तो he knew कि क्यों भाई ban किया गया इसको because of its shrill and unpleasant sound तो अब उसके sound को ही change

एंड मेड सेवन होल्स ऑन एट तो ये आपको पता होना चाहिए कितने होल्स होते हैं सेवन होल्स तो उन्होंने सेवन होल्स कर दिया उसमें एंड ब्लू इंटू एट और फिर उसमें ब्लू ब्लो करने लगे एयर ब्लो करने लगे बाई ओपनिंग एंड क्लोजिंग सर्टेन

सर्टेन होल्स जो साउंड कि बहुत मिल्योडियस बहुत ही ब्यूटीफुल नहीं था कानों को चुभने वाला नहीं था और अनप्लेजेंट नहीं था बहुत मेलोडियस था तो वही तो साउंड चाहिए था राइट तो ऐसा साउंड प्रोड्यूस होने लगा इस बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट से अभी तक क्लियर

और कैसे नाम चेंज किया उन्होंने क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक नाई ने बजाया था एंड ऑल्सो इट वॉज प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन शाही कोर्ट यानी कि शाही दरबार तो इसीलिए शहनाई वॉज द नेम गिवन टू दिस इंस्ट्रूमेंट क्लियर तो दिस इज हाउ कैसे शहनाई नाम पड़ा कैसे शहनाई केम इन टू शहनाई एट दर्ट इन टेम्पल्स एंड को बहुत किया जाता था बहुत फॉर्चुनेट बहुत लविंग लकी सॉरी तो इसीलिए साउंड बजने लगा दैट इस शहनाई वॉज प्लेड बिकॉज ऑफ इट ऑस्पिशियस साउंड इन टेम्पल्सो इन वेडिंग्स

he belonged to a renowned family of musicians and created new tunes and rals which had not been explored before. तो अब हम पढ़ रहे हैं about the person that is ustad basmila khaji. शहनाई के बारे में जो भी basic introduction था history थी that we have understood. now we need to read about the person, right? तो ये जो legend हैं वो belong करते हैं already to renowned यानी कि known family of musicians. और ये जो हैं जब धीरे-धीरे सीखने लगते हैं you know uh, music या फिर धीरे-धीरे शहनाई बजाना जब ये सीख लेते हैं करते तो ही यूज टू गेट इंस्पायर्ड यू नो थ्रू दैट फ्लोइंग वाटर जो कि कौन सी है रिवर गंगा और उससे वो इंस्पायर होकर या तो इम्प्रोवाइज करते थे चेंजेस करते थे या फिर इन्वेंट ही कर लेते थे न्यू राग्स जो कि लगता था लोगों को कि ये शहनाई की रेंज से बहुत दूर है His father Pegambar Bux and his paternal as well as maternal uncles were Shehnai प्लेयर्स तो ऑब्वियसली इनकी पूरी फैमिली जो है वो म्यूजिशियंस थे इनके फादर कह लीजिए इनके ग्रैंड फादर कह लीजिए इनके पेटर्नल अंकल्स बोल लीजिए या मेटरनल अंकल्स बोल दीजिए एवरीबडी यूज़ टू बी देयर इन दिस फील्ड और इनके जो मेटर्नल अंकल हैं उनके साथ ये कंपनी करते थे उनको और फिर उन्होंने शहनाई भी सीखी यू you नो know, उन्होंने प्ले भी की शहनाई और इस तरीके से उनकी जो म्यूज़िक जो बोल सकते हो लाइफ है वो बिगिन होती है

And what happens? That we we'll read.

और बहुत घंटों तक विदाउट कोई ब्रेक लिए वो यही सुनते रहते थे जब वो शहनाई प्ले करते थे यानी कि दिस you know, fascinating for उस्ताद और जैसे ही वो फाइव ईयर्स के हुए तो उनके एक ऑफ प्रैक्टिस लेसन जो है, वो start हो गए। you know, कि कैसे शहनाई है क्लियर ऑल राइट

या तो इम्प्रोवाइज किया या उन्होंने इन्वेंट किया वो लोगों के लिए ऐसा था कि शहनाई की रेंज से बहुत दूर है यानी जस्ट बाय शहनाई यू कांट डिस्कवर दीज राज, बट उस्ताद बिस्मिल्ला खान डिड एंड इंडीड ही इज अ लेजेंड

का सबसे बड़ा ब्रेक उनको कब मिलता है जब ऑल इंडिया रेडियो खुलता है 1938 में. दैट टू इन लखनऊ ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन

तो जवाहरलाल नेहरू जी की जो स्पीच है उसके पहले इनका राग काफी जो है वो प्ले करते हैं किस पे शहनाई पे एंड दिस इज समथिंग विच वॉज अ वेरी बिग थिंग इन लाइफ ऑफ उस्ताद बिस्मिल्ला खान बिस्मिल्लाह खान परफॉर्म्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड सो इट वाज़ नॉट लाइक ही ओनली परफॉर्मड इन इंडिया बट ऑल्सो ही परफॉर्मड अब्रॉड

करते हैं बिस्मिल्ला खां कंपोज म्यूजिक फॉर टू फिल्म्स अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो सेलिलॉइड वर्ड बोला है इन दैट ऑल्सो इट वॉज नॉट दैट गुड क्योंकि वो आर्टिफिशियलिटी वो ग्लैमर जो है उनको नहीं समझ आता था किसको बिस्मिल्ला खान जी को बट फिर भी उन्होंने दो जो मूवीज हैं वो कंपोज की हैं उनके सॉन्ग्स वन वॉज दैट वॉज डायरेक्टेड बाय विक्रम भट्ट सॉरी विजय भट्ट एंड द मूवी वॉज गूंज उठी शहनाई एंड द अदर वन वॉज कन्नड़ फिल्म विच वॉज सना दि बाय विक्रम श्रीनिवास तो ये दोनों जो मूवीज हैं उनमें उन्होंने अपना सॉन्ग दिया है इस मूवी का सॉन्ग दैट इज गूंज उठी शहनाई का जो सॉन्ग उन्होंने कंपोज किया था दैट वॉज अ चार्ट बस्टर बट डेफिनेटली आई थिंक हीड ऑल्सो दैट उनके जो टर्म है वो इस ग्लैमर इस आर्टिफिशियलिटी पे नहीं फॉलो पा रहे थे दैट्स वाई ही डिड नॉट कंटिन्यू विद मोर कंपोजिशन इन दिस म्यूजिक इंडस्ट्री नहीं सॉरी इन द फिल्म इंडस्ट्री क्लियर ऑल राइट he was the first Indian to perform at the Lincoln Center Hall in the USA और ये जो Lincoln Center Hall है, which is a very prestigious place, वहाँ पर सबसे पहले Indian to perform was उस्ताद बिस्मिल्लाह हाँ he also performed at Montreal, Kansas and Tokyo तो different different fairs, different festivals जो होते हैं, वहाँ पे भी वो perform कर चुके हैं ियम वेम्ड आफ्टर हिम दैट वॉज तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्ला खान एंड सो फेमस दैट इवन जब वो तेहरान में गए थे परफॉर्म करने तो वहां का जो एक ऑडिटोरियम है उसका नाम ही उनके नाम के पीछे रख दिया एंड दैट वॉज तहार मौसकी उस्ताद बिस्मिल्ला खान

ही सेट दैट म्यूजिक रिचेस्ट हेरिटेज एंड हैड टू बी टॉट टू द चिल्ड्रन वो सिर्फ यही कहते हैं अपनी स्पीच में कि इंडिया में जो म्यूजिक है वो सबसे बड़ा रिच हेरिटेज है इंडिया का एंड यू शुड टीच योर चिल्ड्रेन यू नो म्यूजिक बिकॉज इट्स गुड एंड इवन द वेस्ट पीपल आर लर्निंग म्यूजिक ये भी बोलते हैं वो स्पीच में तो वाई नॉट वी सो डेफिनेटली यू शुड टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक दैट इज समथिंग जो उस्ताद बिस्मिल्ला खान कहते थे क्लियर ऑल राइट Although he had traveled all over the world, he was attached to the Mrao and

ज इन डीड अ वेरी बिग पर्सन यू नो रिनाउंड लेन से वेरी नाइस पर्सन डाउन टू अर्थ बिकॉज ऐसा नहीं था फॉरन कंट्रीज वॉर समथिंग जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फैसिनेटिंग हो अंगप्ट हिज फूट ऑन ग्राउंड एंड ऑलवेज स्टेड कनेक्टेड विथ फ्रॉम वेयर केम क्लियर सो दिस इज हाउ वी कम टू नो अबाउट यू नो उस्ताद बिस्मिल्ला खां आई होप आपको सारे फैक्ट्स क्लियर है एंड यू आर यू नो वेरी वेल अवेयर नाव की कैसे शहनाई के मीन टू बी एंड ऑल्सो वाई ही इज नोन एज अजेंड और यू नो वाई ही दिस उस्ताद बिस्मिल्ला खां क्लियर ऑल राइट